अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी ज़्यादा स्पेस वाली गाड़ी हमारे लिए लेके आएँ, तो आज हम आपके लिए लाए हैं निसान सनी 94 का मॉडल है और कंप्लीट डिटेल हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लास्ट में लेंगे ओनर से डिटेल। सबसे पहले गाड़ी की कंडीशन आपको चेक कराते हैं। वाइट कलर में गाड़ी है और सीलों वगैरह की कंडीशन आपको देखें, ये देख सकते हैं सीले वगैरह देखें माशाल्लाह बेहतरीन, और नंबर प्लेट्स वगैरह जेन्युइन है आगे पीछे वाली। और अगर हम इसके लोहे की बात करें, अपने फ्रेम की बात करें, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल माशाल्लाह टन टन की आवाज़ पे आ रही है अगर साउंड इसका, और साइड व्यू आप देख सकते हैं। बाकी टायरों की बात करें तो टायर माशाल्लाह अच्छी हालत में है, तो कुछ टाइम के लिए आपको चेंज कराने की नीड नहीं होगी। अगर मैं आपको गाड़ी का फ्रंट व्यू चेक करा दूँ तो फ्रंट व्यू भी आप गाड़ी का चेक कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों आपके सामने है बिल्कुल, ये देखें दोस्तों 1300 cc इंजन है इसमें। इंजन जो है इसका चेंज है, और वो जो इंजन है डॉक्यूमेंट्स में अप टू डेट है, बाकी टिकली इसमें अवेलेबल है, चेसिस नंबर क्लियर नज़र आ रहा है। अगर इसके कुप्पों की बात करें तो ये देखें कुप्पे वगैरह देख सकते हैं आपके सामने, अच्छी हालत माशाल्लाह जैसा आ जाएगी कुप्पे वगैरह, और इंजन रूम जो है बेहतरीन हालत में। बाकी इंजन की बात करते हैं तो इंजन देखें आप टोटल फ्रेम से देख सकते हैं, और फ्रंट पट्टी आप देखें जो इंजन रूम की है। बाकी ओवरऑल इंजन के मुतलिक हम ओनर से पूछेंगे, कोई काम वगैरह तो नहीं है। बाकी इंटीरियर बोनर की कंडीशन देखें, ये देखें दोस्तों तभी मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर चेक कराता हूँ। इंजन रूम हो गया, और यह देखें दोस्तों दरवाजे की कंडीशन देखें माशाल्लाह स्मूथली ओपन एंड क्लोज के हवाले से है, और बिल्कुल हल्के हाथ में है। ये नहीं है कि वजन वाले दरवाजे कुछ होते हैं जिसमें पोलीकेट वगैरह लगा हुआ था, ये पोलीकेट तो माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल हल्के हाथ से ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं। ये देखें इंटीरियर सीटें आप देखें, और साउंड सिस्टम इंस्टॉल्ड है इसमें, और ये देख सकते हैं आप इंटीरियर रूफ देख सकते हैं गाड़ी की। अभी चलते हैं आगे फ्रंट सीट्स की तरफ, तो मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ। ये दरवाज़ा देखें बिल्कुल हल्के हाथ से ओपन हो रहा है, और ये डैशबोर्ड की कंडीशन देख सकते हैं आपके सामने। लेग रूम जो है इसका नीट एंड क्लीन है, बाकी फुट पेरी भी कोई बयान करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है बिल्कुल जोर शोर देख सकते हैं। 94 का मॉडल है, ये देखें रस्टेड वगैरह कहीं से भी नज़र नहीं आई गाड़ी में। तो अभी चलते हैं ओनर के पास, लेते हैं गाड़ी के मतलब मज़ीद डिटेल। तो इसमें हम डिगी भी ऐड कर देते हैं जैसे कि भाई ने बताया था, और ये LPG और पेट्रोल दोनों पे स्टार्ट है। ये देख सकते हैं आप डिगी कंडीशन चेक करें, ये देख सकते हैं। अगर हम इसकी फ्रेश की बात करें तो गाड़ी का फ्रेश भी आपको चेक करा देता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेश वगैरह देख सकते हैं, स्पेयर व्हील अवेलेबल है इसमें। ये देखें सिलेंडर इसमें लगा हुआ है, सिलेंडर कितना है 27 किलो वाला है, ये 55 किलो वाला है, ये 55 किलो वाला है। तो अभी लेते हैं ओनर से डिटेल गाड़ी का मतलब। अच्छा बंद कर दो बस इसको, आ जाओ यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वसीम। अच्छा वसीम भाई, गाड़ी के मतलब बताइए कब से आपके पास है? चार हमारे पास है, 2.5 साल से है, 2 साल हो गए हमारे साहब की बेटी के नाम पर गाड़ी। अच्छा फर्स्ट ओनर है? सेकंड ओनर पे गाड़ी है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में? डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, बिल से क्लियर है, इंजन चेंज है 1300 cc, इसका अपना इंजन डाला है। इसका अपना इंजन डाला है लेकिन दूसरी गाड़ी का जी। और ये डॉक्यूमेंट अपने डाला है? अपने ही डाला है, डॉक्यूमेंट्स में अप टू डेट है जी, टैक्स वगैरह दिसंबर तक क्लियर है। अच्छा जी, मतलब क्लियर का सौदा है बिल्कुल, क्लियर का सौदा है जो बात हम बताएंगे। और क्या मांग रहे हैं डिमांड आप इसकी? डिमांड तो 4.5 कह रहे हैं। और कहाँ तक देने का रहता है? बिल्कुल फाइनल प्राइस है ना, छोड़ के 4.20 में छोड़ देंगे, 4,20,000 में छोड़ देंगे। अच्छा हमारे व्यूअर्स को अपना मोबाइल नंबर बता दें, 03166640759। अच्छा ये वसीम आपका व्हाट्सअप पे है नंबर? जी जी व्हाट्सअप पर है। अगर कोई भाई ये गाड़ी देखना चाहे तो कहाँ पे देख सकते हैं? गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 14 ब्लॉक में चलें। वसीम बहुत शुक्रिया आपका, ज़्यादा कर लें जी। दोस्तों वसीम का नंबर आपके साथ शेयर कर दिया, 4.5 लाख की डिमांड है, इसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। ऑन द स्पॉट आके आप खुद भी गाड़ी चेक कर सकते हैं, और इंजन वाइज कोई काम नहीं है गाड़ी में? इंजन के अगले शोकर का काम है, पिछला शोकर एक एक्सिल का काम है बस। बस ये जो काम है, ये दो काम है हम बता के चलें, जो काम है वसीम ने भाई आपके साथ शेयर कर दिया है। और इसके अलावा हमने आपके साथ वसीम का मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है, तो जिस भी भाई को चाहिए तो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात करते हैं। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।